तो बहुत दिनों बाद अनु भाई की जो है यूट्यूब पे वापसी हो रही है। बताओ बताओ भाई, आशु क्यों नहीं आया? पूछ रहे हैं आशु नहीं क्यों नहीं आया। दीदी ने भी बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया है हमें। 4:26 पूरे 8 घंटे और 26 मिनट का सफर तय करने के बाद की हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं अंकित। और गाइज, आज मेरे पास बताने के लिए काफ़ी सारी न्यूज़ें हैं, तो बात करते हैं पहली बड़ी अपडेट के बारे में। पहली बड़ी अपडेट जो आ रही है सुयश असवाल और आसू फन टीवी को लेकर। जैसे कि गाइज, आप सबको पता है कि रिसेंटली सुयश असवाल की सगाई हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को इन्वाइट किया था। साथ ही साथ उन्होंने आसू फन टीवी को भी अपनी सगाई में इन्वाइट किया था। बस आसू फन टीवी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से सुयश असवाल की सगाई में नहीं आई, जिसके बाद सुयश असवाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे एंड साथ के साथ वो काफी कुछ कहने लग गए थे, जो कि आप वीडियो क्लिप में खुद ही देख सकते हैं। बताओ बताओ भाई, आशु क्यों नहीं आया? पूछ रहे हैं आशु नहीं क्यों नहीं आया। आप क्या बोले भाई, आशु क्यों नहीं आया? यार देखो अंकल जी, ना बोला पक्का यार था, लेकिन अब मुझे लगता है शायद वो मेरा सिर्फ प्रोफेशनल फ्रेंड है। एनीवे, बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। अगली बड़ी अपडेट जो आ रही वाली द यूके च्यूर सेवर राइडर बाबू भाई को लेकर। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया, पर बाबू भाई ने अभी तक अपने चैनल पे कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया है। लगातार सब लोग सोच रहे थे कि बाबू भाई ने क्या यूट्यूब को क्विक कर लिया, एंड बाबू भाई ने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि वो यूट्यूब को क्विक करने वाले हैं। तो सब लोग सोच रहे थे कि क्या सही में बाबू भाई ने यूट्यूब को क्विक कर लिया। तो रिसेंटली बाबू भाई ने अपने कल के दिन पर अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक्सपोज करने वाले हैं। अब बाबू भाई को पता ही होगा कि वो किसको यहाँ पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अनप्लान हो रहा है, जो कि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में शेयर की। वे बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। अगली बड़ी अपडेट जो आ रही वाली प्रीति राणा को लेकर। जिसकी रिसेंटली वीडियो में मैंने अपनी बताया था कि प्रीति राणा का घर बन रहा है, एंड प्रीति राणा का जो घर है वो बनकर तैयार हो चुका है, अब बस गृह प्रवेश होना बाकी है। तो फाइनली कल के दिन पर प्रीति राणा अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने अपने घर के बारे में बताया। फाइनली उनका घर प्रवेश भी हो गया है, जिसमें उनकी दीदी, काफी सारे लोग आए थे उनके गृह प्रवेश में। प्रीति राणा के कुछ वीडियो क्लिप है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ पे दीदी ने भी बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया है हमें। ये देखिए जी, श्री त्रिवेणी नारायण भगवान जी का मंदिर बर्फ से ढका हुआ, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनीवे गाइस, बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। अगली बड़ी अपडेट जो आ रही वाली पहाड़ी बाइकर आलोक राणा को लेकर। जिसकी मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में बताया था कि पहाड़ी बाइकर आलोक राणा रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन करने जा रखे, जिसमें उनके साथ SJ फैमिली ब्लॉग यानी सुजल भाई भी इस यात्रा में शामिल है। एंड फाइनली पहाड़ी बाइकर ने अपने यूट्यूब चैनल पे रुद्रनाथ ट्रैक की वीडियो अपलोड की। पहाड़ी बाइकर आलोक राणा की कुछ वीडियो क्लिप है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 4:26 पूरे 8 घंटे और 26 मिनट का सफर तय करने के बाद पहुंच चुके हैं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ महादेव जी के मंदिर तक। चले एनीवे, बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। अगली बड़ी अपडेट जो आ रही वाली नमस्ते पहाड़ आशुतोष नेगी को लेकर। जो कि रिसेंटली उन्होंने आज के दिन पे अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की, जिसमें वो केदारनाथ यात्रा 2024 की यात्रा पर गए हैं, जिसमें उनके साथ अनूप सहमाल भी शामिल है। साथ ही साथ उन्होंने अनूप सहमाल से पूछा कि वो यूट्यूब पे कब वापसी कर रहे, तो अनूप सहमाल ने जवाब दिया कि जल्दी वो यूट्यूब पे वापसी कर रहे। साथ ही साथ अनूप सहमाल ने कहा कि लगातार मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अनूप सहमाल कब वापसी करेंगे। तो अनूप सहमाल ने कहा कि मैं जल्दी आप सब लोगों से मिलूंगा और जल्दी यूट्यूब पे वापसी करूंगा। तो उनकी वीडियो के कुछ क्लिप हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुझे मिले हैं अनूप भाई। कैसा अनूप भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बहुत दिनों बाद अनु भाई की जो है YouTube पे वापसी हो रही है वीडियो के जरिए। हाँ, लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं। हाँ, देखा मैंने कमेंट में देखा, आएंगे वापस आएंगे। गाइस, बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है वारी उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है, जहां की एक जेल में कैदियों के द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला के दौरान जब कैदियों को सीता माता को ढूंढने के लिए भेजा गया, तो कुछ कैदी दीवार फान के भाग गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें काफ़ी ढूंढा, पर अभी तक उन लोगों का पता नहीं चला। साथ ही साथ लोग काफ़ी सारे मेम्स भी YouTube पे और Instagram में डाल रहे हैं कि सीता माता को तो पता चल गया, पर कैदियों को अभी तक नहीं पता चला एंड उन्हें अभी भी ढूंढा जा रहा है। एनीवे, आपका इसमें क्या रिएक्शन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आज की वीडियो में तो बस इतनी ही न्यूज़। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।